नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूपी लाइव 100 न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। धनतेरस पर बाजारों में क्या रहा रौनक, क्या कर रहे हैं दुकानदार, देखिए पूरी खबर सिर्फ यूपी लाइव 100 न्यूज पर। आज दोपहर बाद बाजारों में लोगों की दिखी चहल पहल। धनतेरस पर शहर व ग्रामीणों क्षेत्रों के बाजारों में पूरी रौनक रही। विशेष तौर पर बर्तन बाजार व ज्वेलर्स की दुकान खरीदारी का दौर अधिक रहा। सड़क के किनारे लक्ष्मी गणेश की मूर्ति और मिट्टी की दिया की दुकानें सजी गईं। 7 महीनों से चल रहा था लॉकडाउन के चलते काफी समय से सूना चल रहा था बाजार में। धनतेरस पर रौनक दिखी। धनतेरस पर लोग धातु के बर्तन, सोने और चांदी के जेवर और सिक्के की खरीदारी की। धनतेरस के चलते सरफा की दुकानों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। मोहन ज्वेलर्स ने बताया कि धनतेरस पर लोगों ने सोने व चांदी की खरीदारी की। लोगों ने अपने सगे संबंधियों को उपहार के तौर पर देने के लिए चांदी के सिक्के, गिलास, पूजा की थाली की खरीदारी की। धनतेरस पर सबसे अधिक लोगों ने बर्तन की खरीदारी की। दुकानदारों को कहना है कि जुलाई के बाद से तो उनका कारोबार बिल्कुल मंदा है, पर अब धनतेरस, दीपावली, उसके बाद शादियां के सीजन में अच्छा कारोबार की उम्मीद दिखी। वहीं कुछ दुकानदारों ने बताया कि इस दीपावली धनतेरस पर लॉकडाउन के चलते खरीदारी तो हुई, परंतु पूर्वक आंकड़ों में काफी मंदा रहा। वहीं कदीर मिठाई भंडार पर मिठाइयों बर्तन के भी जमकर खरीदारी हुई। दुकानदार रहीस ने बताया कि सुबह से लेकर अभी तक काफी चल रहा कारोबार। आइए लेकर चलते हैं खबरों की तरफ। सुबह सुनकर हाँ, तो बताइए आज धनतेरस के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मार्केट में क्या रहा आज का दिन? मार्केट में ऐसी स्थिति बनी है, कभी ऐसी स्थिति आई ही नहीं। हाँ, क्योंकि लोगों का 800 में धान बिक रहा है और लोग क्या करे, तराश तराश जनता कर रही है। पैरा फूंक दे, अगर किसान पैरा फूंके तो थाने में बैठता है। जैसे ये जो सरकार की जो गाइडलाइन है उस पे क्या आपको कुछ कहना चाहते हैं सरकार के बारे में? अब सरकार के बारे में कौन कहे, कहेगा तो जेल जाएगा। क्यों, ऐसी क्या दिक्कत है आपको? अरे क्यों नहीं दिक्कत है भाई। हाँ, सरकार क्या गलत कर रही है कुछ? अब सरकार गलत नहीं कर रही है, जनता हाँ। को खेत में पैरा नहीं फूंकने दे रही है, तो किसान उसको हटाएगा नहीं, उसको ले नहीं जाएगा। तो सरकार सोच रही प्रदूषण ना फैले, तो प्रदूषण फैलाना चाह रहे हैं आप खेत में। सरकार उसको उस पैरे का रेट 500 रुपया कुंटल कर दे, तो किसान ले जाकर उसको बेचे धर्मशाला में, तभी तो पैसा मिलेगा उसको। और आप इस मार्केट के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मार्केट के कैसी बारे रही में, आज मार्केट के बारे में पटाखे की दुकान लगी ही नहीं है। हाँ, ये तो सरकार की तरफ से जो है रोका गया है, सरकार के लिए रोका गया है। मटेरा में दुकान खुली है, बहराइच में दुकान खुली है। आपको पता है इसके बारे में कि खुली है? पता है हमें। किस दुकान के नाम बताइए दुकान का? नाम तो नहीं जानते। तब कैसे बोल दिए? लेकिन दुकान लगी हुई है, मैंने देखा। प्रूफ है आपके पास? अरे प्रूफ नहीं है भाई। आप फिर ऐसे कैसे कह रहे हो? दिखा सकते हो? ठीक है, दिखाओ। और कुछ कहना चाहते हो? बहुत अच्छा है, ठीक है। श्रीमान जी, आपका शुभ नाम? विजय कुमार कौली, मंडल उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी। धनतेरस पर जो है आज जो शंकरपुर चौराहे पर क्या रौनक रही, बाजार में चहल पहल कैसी दिखी? तो सरकार द्वारा गाइडलाइन दिया गया है, उसी का हम लोग पालन करके बाजार में जो है दूरी बना करके चहल पहल रही। सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से हम लोगों ने काम किया है। अब थोड़ी सी पहले से चहल पहल बाजार में आई हुई है और लोग दूरी बनाकर ही सामान ले रहे हैं दुकानों में। जैसे कि मार्केट में जो सन्नाटा छाया रहता था, लॉकडाउन का असर दिख रहा था, वो कुछ आपको कैसे नज़र आया आज के दिन? हाँ, कुछ चहल पहल है, क्योंकि धनतेरस है, दीपावली है, तो लोग अपने घरों से आकर के दिया वगैरह ले रहे हैं। ज़्यादा आपको किस दुकानों पर भीड़ दिखी आज के दिन? ज़्यादा दुकानों पे, बर्तन की दुकानों पे भीड़ लगी थी जी। और जो सरकार द्वारा गाइडलाइन हुआ है कि दिए का जो प्रयोग करें मिट्टी का, जी जी जी, उसी मिट्टी के दिए पे भीड़ रही, मगर इतना भीड़ नहीं रहा। गैपिंग बना के, रोक दूरी बना करके जो है लिए हैं अपन
और जो ये सरकार के द्वारा जो है आतिशबाजी पर जो है बैन लगाया गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सरकार? आतिशबाजी की दुकानें बंद हैं यहाँ, कोई जो है शंकरपुर में कहीं नहीं खुली है। हाँ। सब शांति व्यवस्था, आतिशबाजी नहीं होगी, सरकार की गाइडलाइन से पूरा काम।